أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। नाज़रीन, आज आपको आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, रूह क्या होती है, रूह के बारे में कुछ चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। कुरान में कई जगह में रूह के बारे में कहा गया है। कहते हैं रूह अल्लाह की हुकुम है, और ये कहते हैं जब कोई नींद में जाते हैं तो उसका रूह टेम्पोररीली उसका जिस्म से अलग होती है, लेकिन नींद से जब जागती है इंसान तब वो रूह वापस भी आते हैं, और जब मौत होती है तब रूह को जिस्म से जुदा कर लेते हैं। अब दुनिया में बहुत सारी एथिस्ट लोग हैं जो इस बातों पे नहीं मानता है, लेकिन दुनिया के सारे जो रिलीजियस लोग हैं उसकी मजहब के अनुसार इसका कोई भी नाम होती है, आत्मा नाम होती है, आत्ता होती है, सोल होती है, रूह होती है, कुछ भी कहते हैं हम, लेकिन ये एक चीज़ का कॉन्सेप्ट जब से इंसानियत है दुनिया में तभी से ये कॉन्सेप्ट है इंसान के साथ। लेकिन कुछ एथिस्ट लोग कहती है इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, और जब रूह के बारे में कुरान में सारे के सारे आयात नाजिल होते थे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तब उन्होंने कहते थे ये कैसे मुमकिन है जो क़ियामत में फिर हमको उठाया जाएगा, जब जिस्म से रूह निकलने के बाद ये जिस्म हड्डी सब कुछ हड्डियाँ अस्थियाँ ये सब भी गोश्त खून सब कुछ भी मिट्टी के साथ मिल के वो ऐसे मिट्टी बन जाते धूल मैल बन जाते हैं, तो ये रूह फिर कैसे यहाँ पे आएगा, कैसे ज़िंदा होगा, और मरने वाले जो होती है वो तो कभी लौट कर दुनिया में नहीं आते हैं, तो इसका सबूत क्या है जो हमारी अंदर एक रूह होती है। तो उस ज़माने में जब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम को जो अरब कौम को जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सारे सिखाया था, तब उस कौम की जो ज़माना वो आया में जाहिलियत की ज़माना कहते थे, वो बहुत जाहिल लोग थे, अनपढ़ लोग थे, कोई भी कुछ भी चीज़ वो समझता नहीं, फिर भी उसको बहुत सारे आयात देके ये समझाने की कोशिश किया, और कुरान में ये भी कहा कि रूह के बारे में बहुत कम ही इंसान को पता है। हाँ, ये सच बात है, रूह के बारे में बहुत कम ही पता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आयात में रूह की कुछ मिसाल ऐसे दे गया है जो आजकल हम जिस ज़माने में हूँ उसके एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। साइंस में रूह को अगर पकड़ सकते हैं या नहीं सकते वो तो दूसरी बात है, लेकिन लेबोरेटरी में रूह को साबित हो या नहीं हो, लेकिन मिसाल दे के हम लोग उसका एक लॉजिकल प्रूफ दे सकते हैं। जैसे कि ये जो हम फ़ोन है इसके अंदर एक प्रोग्राम है, ये जो लैपटॉप है मेरी ये लैपटॉप के अंदर एक प्रोग्राम है, ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होती है ये वगैरह सब कुछ के अंदर एक प्रोग्राम होती है, तो ये जब लैपटॉप नहीं बांधते हैं तब इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं रहता, यानी कि इसमें सिर्फ हार्डवेयर मतलब इसका जिस्म जो है कंप्यूटर का जिस्म, ये कीबोर्ड है, स्क्रीन मॉनिटर है, सिर्फ यही रहता। फिर इसको जो प्रोग्राम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसके अंदर प्रोग्राम डालना पड़ता, जैसे कि माँ की गोद में माँ की कोख में जब एक बच्चे पैदा होती है थोड़े थोड़े करके,
फिर उसकी एक मेमोरी भी होती है, एक ब्रेन और एक हार्ट डेवलप करती है और एक मेमोरी भी होती है। फिर माँ की अंदर से जब वो बच्चा बाहर निकलते हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर होती है वो बिल्कुल खाली होती है। जैसे एक नई लैपटॉप बाज़ार से ख़रीद के आप लाइए तो उसके अंदर आपकी दिया हुआ कुछ भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन जब आप वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तब उसके अंदर आप अपनी मर्जी से किसी वीडियो ला के उसको उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, किसी नई प्रोग्राम जैसे यूट्यूब उसका अंदर नहीं था लेकिन इंस्टॉल कर देते हैं, फेसबुक नहीं था डाउनलोड करके उसका उसमें घुसा देती है, और सारी प्रोग्रामिंग भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, और जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लैंग्वेज वर्ड होती है, ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर उनमें इंस्टॉल होती है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो इंस्टॉल जो एमटी सॉफ्टवेयर जो होती है ये तो माँ के अंदर ही जैसे बच्चे की ब्रेन डेवलप करते हैं तभी से ये हो जाता है, लेकिन माँ की अंदर से डिलीवरी की बात जो होती है उसमें लीकना शुरू हो जाती है, आमूलनामा लीकना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग एक वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में ओपन करते हैं और हमारी मर्ज़ी से कुछ लिखते हैं हम लोग, और लिख के फॉर एग्ज़ाम्पल एक खत लिख लिया हमने किसी और ईमेल लिख लिया, तो ये जो लिखा ये तो जो नई जो लैपटॉप थे ये तो कोरा था, मतलब ये बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन जब हमने इसमें ईमेल डाला लिख लिया कुछ और वर्ड फाइल में कुछ लिखा या तो फिर डाटा फाइल में एक्सेल शीट में कुछ डाटा डाला या तो फिर किसी वीडियो लाके इसके अंदर घुसा दिया, तो ये सारी चीज़ें जो लिखते हैं हम ये है हमारी आमूलनामा, ये आमूलनामा की मिसाल होती है जो इसमें हम भरते हैं। फिर ये जो लैपटॉप है ये पुराना हो जाती है लेकिन हमने जो काम इसमें किया है वो रूह जैसा है, इसको जो मेमोरी लैपटॉप के अंदर एक मेमोरी होती है वो हमारी माइंड जैसा होती है, ब्रेन जैसा होती है, जैसे रैम रोम ये सब। फिर उस जो चीज़ जो काम ये लैपटॉप से किया और कंप्यूटर से फ़ोन से किया ये हम शेयर करके ट्रांसफ़र करके दूसरे कोई डिवाइस में ले सकते हैं या तो फिर पेन ड्राइव में लेके दूसरे कोई डिवाइस में सारी की सारी हमारी काम जो ये लेके ये पुराने जो लैपटॉप है ये अगर हम सर्विसिंग के लिए अगर ये छोड़ देते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें तोड़ मोड़ के और जो जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसी कंपनी अगर यही मॉडल का एक नई कंप्यूटर मटेरियल से बनाते हैं, फिर जो चीज़ हमने पेन ड्राइव में या तो फिर कोई दूसरी डिवाइस में उठा के रखा था वो इसमें अगर घुसा देते हैं तो फिर से इसमें इंस्टॉल हो जाती है। ठीक, तो जो सूरह जो यासीन होती है सूरह ये यासीन में वो लोग पूछते थे, वो लोग सवाल करते थे, बहस भी करते थे, जब हड्डियाँ अस्थियाँ खून गोश सभी कुछ मिट्टी के अंदर चले जाएगी तब ये कैसे वापस आएगा, तब वापस कैसे कियामत में जब तीसरी जग सिंगा इसराफील अलैहिस्सलाम ने फूकेगा तब ये कैसे जोड़ेगा, ये तो बिल्कुल ही मिट्टी हो जाएगी, धुला धुला हो जाएगा। तब ये कहा हाँ जिन्होंने पहली बार बनाया क्या वो दूसरी बार बना नहीं सकते हैं, पहली बार बनाना ज़्यादा आसान थी या दूसरी बार बनाना, जिसको पहली बार बनाना आता दूसरी बार बनाना तो वो तो जानता ही कैसे कुछ चीज़ बनाया जाना जाता है, तो ये तो कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। तो हमारी जो सोल है रूह है आत्मा है ऐसे ही वो बुखारी शरीफ मतलब हदीस है जो बुखारी हो हदीस है उसके अनुसार उसके मुताबिक ये एक
जब इंसान मर जाता है तब ये रूह निकल के एक जिस्म मिसाली में रख दिया जाता है, और उसी जिस्म मिसाली इस दुनिया में रहता नहीं, मतलब इस जो ज़ाहरी दुनिया में इसमें नहीं रहता, बल्कि एक दुनिया जो पर्दा के अंदर के बरज़ाक कहती है, बरज़ाक की दुनिया में रहते हैं, जिसमें मिसाली के साथ वो रूह रह जाता है, इल्लिन में हो या सिज्जिन में हो। फिर वही रूह जब क़यामत होगी तब इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की पहली सिंगा से तो सब कुछ होगी, जो जहाँ पे हो सब आएगा, फिर दूसरी सिंगा में तो सब कुछ फाना हो जाएगा, और सूरा मुल्क में कहा गया सिर्फ रॉबी रहेगी, पूरी आलमीन जो है वो तो पूरी की पूरी सब ख़त्म हो जाएगा। फिर तीसरी जो सिंगा होगा, जो तीसरी फुतकार में, वो सारी की सारी रूह को जिस्म में मिलाएगा, वो फुतकार ही मिला देगा रब की कुदरत से। फिर वही जिस्म वही रूह लेकर इंसान नंगा क़यामत की मैदान में उठ के जल्दी अपने सभी लोग रब की तरफ, एक ही तो रब है सबका, वो रब की तरफ अपने अपने जिस्म रूह लेके दौड़ भाग कर इकट्ठे होंगे। तो ये मेरे ख्याल से मेरे जो ये मिसाल है आज के ज़माने में, ये कंप्यूटर मोबाइल वगैरह, इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह, इसके साथ जो रूह और जिस्म को जो मिसाल दिया, मेरे ख्याल से शायद आपको अच्छा लगा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ईमान भी मजबूत होगा। मेरी आज की वीडियो इसी के लिए नाज़रीन, सो आपकी दुआएं की ज़रूरत है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और मेरे खुद की ईमान और सभी का ईमान बढ़ाने की कोशिश कर सकूं। यही दुआ मांग के आप सब की सलाम दुआ मांग के अस्सलाम वालेकुम, आपकी सबकी ऊपर रब रहम करे, यही दुआ दे के अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।